पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, पैसा सबको अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि सभी नेता पार्टी में पैसा कमाने आते हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको बता दें कि बीएसपी के एक उम्मीदवार हैं बिजनौर से, पश्चिमी यूपी से बिजनौर लोकसभा के, सबसे अमीर कैंडिडेट हैं बसपा के मलूक सिंह नागर। बिजनौर लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को मतदान करने पर अपना सांसद चुनने का काम करेगा। इसी को लेकर सभी पार्टियों के नेता प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बिजनौर लोकसभा सीट से गठबंधन के बसपा प्रत्याशी मलूक नागर चुनावी मैदान में हैं। उनकी संपत्ति है 249 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने लिखवाई है। साथ में पश्चिमी यूपी के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं ये, उनका प्रचार करने का। वहीं मल्लूक नागर बिजनौर लोकसभा सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वह इससे पहले 2014 में लोकसभा चुनाव में बिजनौर सीट से लोकसभा प्रत्याशी थे, लेकिन उस बार उन्होंने यहां से हार का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त 2014 के अंदर जुमलोंबाजों की सरकार आ रही थी, जिन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, 15 लाख रुपए देने तक के ऐसे ऐसे वादे किए थे जिसके अंदर पूरी हवा बीजेपी की बन गई थी और उसी हवा में बह गए थे मलूक नागर। फिर से बसपा का टिकट बिजनौर लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं और इस बार उनके आंकड़े बताते हैं कि कहीं ज्यादा मजबूती से जीत भी दर्ज करा रहे हैं मलूक नागर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।